नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। उत्तराखंड में 21 जनवरी से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया का कल समापन हो गया और इस दौरान उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों पर 750 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन के अंतिम दिन यानी कल कुल 362 दावेदारों ने नामांकन कराया। अंतिम दिन नामांकन कराने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अभी अभी कांग्रेस से भाजपा में आए किशोर उपाध्याय ने अपना नामांकन करवाया। अब आज से नामांकन पत्रों की जांच होगी और 31 जनवरी को जो दावेदार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो अपने नाम को वापस ले सकेंगे, जिसके बाद दावेदारों की आखिरी सूची जारी की जाएगी। नामांकन के अंतिम दिन शुक्रवार को नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 31 दावेदारों ने नामांकन भरा। वहीं अल्मोड़ा की 6 सीटों पर 21 और बागेश्वर जिले की 2 सीटों पर 9 नामांकन हुए। पिथौरागढ़ जिले की 4 सीटों पर 13, उधम सिंह नगर जिले की 9 सीटों पर 40 और चंपावत जिले की 2 सीटों पर 2 दावेदारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं देहरादून की 10 सीटों पर 64 दावेदारों ने, हरिद्वार की 11 सीटों के लिए 61, टिहरी जिले की 6 सीटों के लिए 43, पौड़ी जिले की 6 सीटों के लिए 28, चमोली की 3 सीटों के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। रुद्रप्रयाग की 2 सीटों पर 12 और उत्तरकाशी की 3 सीटों पर 27 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं आम आदमी पार्टी ने नामांकन के अंतिम दिन रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अपने प्रत्याशी बदल दिए। अब देखना होगा कि इन 750 लोगों में से किन 70 के सर पर सत्ता का ताज सस्ता है और प्रदेश में किसके हाथ में सत्ता आती है। तो चुनाव से जुड़ी इस जानकारी में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं सुंदरलाल आर्या, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी, साडी विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी से उम्मीदवार हूँ। मैं क्षेत्र की समस्त जनता से निवेदन करता हूँ, इस बार क्षेत्र में परिवर्तन करके, क्योंकि 5-5, 10-10 साल दोनों पार्टी की सरकारें हो चुकी है, तीसरा विकल्प उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी है। एक नया चेहरा और युवा होने के नाते क्षेत्र के विकास के लिए मुझे मौका दें और अधिक से अधिक मतों से मुझे जिताएं।